बीएसएफ के डीजी बोले आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए लाएंगे टनल टेक्नोलॉजी। कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी, फिल्म अभिनेत्री ने की शिकायत, मनाली पर केस किया दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम के सीएम जोरामथंगा से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में कहा, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। मायावती ने खेला जाति धर्म का कार्ड, बोली हमारी सरकार बनी तो दलित जाट मुस्लिम समाज का रखेंगे ध्यान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। देवस्थान बोर्ड को रद्द किए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। पिछले दो साल से उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहित इस एक्ट के रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने पहले चारों धामों में आंदोलन किया और उसके बाद देहरादून में मंत्रियों के आवास का घेराव और सचिवालय कूच भी किया। हालांकि इस बीच सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को समझाने का हर संभव प्रयास किया है और कि इस एक्ट से तीर्थ पुरोहितों के हक को पर कोई कार्रवाई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एवं संपूर्ण सरकार का बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री और संपूर्ण उत्तराखंड की जनता हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती है कि आपने जो देवस्थानन बोर्ड को आज समाप्त किया है और जनभावनाओं के अनुरूप जो कार्य किया है, इस बात के लिए हम सब लोग आपका हार्दिक दिल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जितने भी हमारे धर्मावलंबी हैं, जितने हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आस्था के प्रतीक हमारे बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री की मान को आपने बढ़ाया है, इस बात के लिए पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज सभी लोगों के अथक प्रयास से आखिरकार वो देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया है, जिसका दो सालों से लगातार तीर्थ पुरोहित और हमारे साथ साधु संत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार, जिस स्वार्थ से सरकार ने ये देवस्थानम बोर्ड लगाया था और आज उसी स्वार्थ से इन्होंने इसको खत्म भी किया। जैसे कि आपके नजदीक जैसे चुनाव आ रहे थे, चुनाव को देखते हुए सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के सामने और हमारे साथ साधु संत जो लोग जुड़े हुए थे इसका लगातार विरोध कर रहे थे, उसका विरोध देकर के सरकार कहीं ना कहीं देवस्थान बोर्ड का जो फैसला लिया था उस पर सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। कहीं ना कहीं सरकार ने अपने घुटने टेके और सरकार इस पर पीछे हटी। मैं सभी लोगों का पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा। और जो त्रिविंदर सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था, और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रुड़की शहर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसे देखकर शहर और बाराती भी दंग रह गए। दरअसल रुड़की में बुलेट रानी की तरह से एक दुल्हन के साथ फेरे लेने के लिए खुद कार चलाकर मंडप तक पहुंची। खास बात तो यह है कि दोनों की ही लव मैरिज है। बता दें कि रुड़की की पूनम तनवर ने शादी करने के लिए दिल्ली के सुमित शर्मा बारात लेकर रुड़की पहुंचे हैं थे। शादी का प्रोग्राम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक वेंकट हॉल में किया गया। वहीं दुल्हन ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर खुद ही कार चलाकर मंडप तक पहुंची।
भैया आज मेरी शादी है तो इसलिए मैं अभी पार्लर से रेडी होके अपनी शादी में जा रही हूँ। भैया मैं रुड़की से हूँ और अभी शादी रंगोली गार्डन में जा रही हूँ अपनी शादी में और दिल्ली जाऊँगी शादी के बाद। अमूमन लड़कियाँ जो है दुल्हन बनकर एक तरफ बैठती हैं, किस तरह से देखती हैं आप खुद ड्राइव करके जा रही हैं, कहाँ से शिक्षा मिली है, किस तरह से हौसला आया ये? भैया ये मेरे पापा की वजह से आया हौसला, क्योंकि मेरे पापा बेटों और बेटियों में कभी भी फ़र्क नहीं करते और उन्होंने जो चीज़ मेरे भाई को सिखाई वो ये सब चीज़ें मुझे भी सिखाई और हमेशा वो यही कहते थे कि बेटा हम रहें या ना रहे तुम अपनी जगह हमेशा बना के रख। रुड़की नगर निगम सभागार में पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गैर भाजपाई दलों ने अल्पसंख्यकों के वोट का इस्तेमाल करके कई दशकों तक देश की सत्ता में राज किया, जबकि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल भाजपा ही अल्पसंख्यकों की सच्ची हितैषी है। आज भाजपा के शासन में अल्पसंख्यकों को लगातार विकास हो रहा है। व्यक्तिगत किसी एक का नाम नहीं बताओ, कलियों विधानसभा मुस्लिम बहुमल्य क्षेत्र हरिद्वार जिले में नाम आएगा, उसमें सोचा जाएगा कौन इस लायक है और सोचा ये भी जाएगा कि उनके समाज के लोग कितने उससे जुड़े हुए हैं। आप बहराज राम जी की पैरवी करेंगे? बहराज राम जी और है उनके साथ लोगों का सपोर्ट होगा तो क्यों नहीं करेंगे? इन्हीं के साथ सपोर्ट है, हमारा तो कहना यही है सपोर्ट है तो मैं इनका नाम पेश करूंगा। हम समझते पहले जो भूमिका थी उससे कहीं ज्यादा रहेगी, लोग समझ रहे हैं ये सरकार चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हमारे हित के लिए काम कर रही है। कांग्रेस तो बोलती है कि जो अल्पसंख्यक है उनका वोट बैंक है, क्या बीजेपी इस तरह के कोई वो करती है? अल्पसंख्यक का वोट बैंक कहाँ, अगर यही बात होती पूरे देश से धीरे धीरे सफाया क्यों होता उसका? तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस की उसमें नहीं है अल्पसंख्यक? कांग्रेस की बात को लोग समझने लगे, हमारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो समझने लगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां लगातार तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना कर रही है सरकार ने देवस्थान बोर्ड को भंग कर दिया है, लेकिन पंडा समाज में ये खुशी बड़े स्तर से तब मनाएगा जब विधानसभा सत्र में बोर्ड भंग होने का प्रस्ताव पारित होगा। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के देवस्थान बोर्ड को भंग करने की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। आज देखो अभी इन्होंने घोषणा की है, इस समय चारों धामों में जो है खुशियाँ हैं। अभी जब विधानसभा सत्र में पूर्णतः ये भंग होगा तब हम बड़ा जश्न मनाएंगे और चारों धामों के लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का भी हम वो कर रहे हैं हार्दिक धन्यवाद करें। आप लोगों ने कहा था कि वोट अगर नहीं होता तो 15 सीटों को चुनाव लेंगे, क्या उस फैसले को वापस ले रहे हैं? हाँ जी, यदि अगर वोट वापस नहीं होता ये ना तो हम लोगों का ये है कि हम 15 सीटों पर जो इनको हराएंगे और हो सके हम किसी भी जगह से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, पर लेकिन इन्होंने बोर्ड भंग करने की घोषणा कर दी है, अब हमारा ये विचार कुछ नहीं है कि हमारे तीर्थ पुरोहित समाज, हमारा पंडा समाज जो निरंतर दो वर्षों से ये मांग कर रहा था कि उनके हक हकूकों की जो लड़ाई थी जिसको सरकार के द्वारा छीन लिया गया था उनके अधिकारों को, उसकी लड़ाई के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और मैं समझता हूँ आज बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि आई और उन्होंने इसको वापस लेने की घोषणा की है, जिसके लिए पिछले सत्र में कांग्रेस के विधायकों ने भी विधानसभा के अंदर वो पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया है सरकार द्वारा उसे भंग किया जाए। जिस तरीके से देश में 3 कृषि कानून जो काले कानून बने थे उनको भंग किया गया और जिस तरीके से अब उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है, मैं समझता हूँ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दिशाहीन तरीके से मनमाने तरीके से कानूनों को लोगों के ऊपर थोकने का काम कर रही है। देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया गया है, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत उनको साधुवाद दे रहा हूँ और जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड पे हमारे बहुत से तीर्थ पुरोहित इसको लेके लामबंद थे, विरोध में उतरे थे, अनेकों बार मैं जब केदारनाथ या बद्रीनाथ जी भी गया उन्होंने भी मेरे सामने अपनी पीड़ा रखी थी और अध्यक्ष विधानसभा होने के नाते मैं भी खुद चूँकि एक धार्मिक व्यक्ति भी हूँ, धर्म के प्रति मेरी बहुत आस्था है, हमारे तीर्थ पुरोहित जो हमारे बहुत इस पूरे उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाई जाती है यहाँ के हर मंदिर पे उनका जो है जो जिस प्रकार से उनका अधिकार था, जिस प्रकार से वो हकूकधारी थे, उस नाते उनसे जो थोड़ा सा ये जो भी विषय हमारे इस बीच में आया तो हम लोग भी कहीं ना कहीं हम कष्ट में थे कि कैसे हम इन लोगों को अपनी बात पहुँचा सके,
तो बस मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, तमाम हमारे देवतुल्य जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, क्योंकि हम उस समाज को किसी भी प्रकार से उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खबर ऋषिकेश से है, जहाँ पुरोहितों के देवस्थान बोर्ड का भंग हुआ है। आपको बताते चले कि पुरोहित देवस्थान बोर्ड का भंग हुआ है, जहां आपको पांडा समाज के ये खुशी का स्तर मनाया गया, जहां उन्होंने ये भी कहा कि पांडा समाज ये खुशी बड़े स्तर पर तब मनाएगा जब विधानसभा सत्र में बोर्ड भंग होने का प्रस्ताव पारित होगा। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के देवस्थान बोर्ड को भंग करने की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। रुड़की में दिल्ली रोड पर एक होटल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले होटल के बाहर सैनी समाज ने हरीश रावत के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी हरिद्वार जिले के सैनी नेताओं की अनदेखी करके बाहर से सैनी समाज के एक नेता को कांग्रेस में शामिल करा रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कांग्रेस का सदस्यता अभियान था, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी और साथ में काजी निजामुद्दीन जी उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में, उन लोगों के नेतृत्व में कई सौ सैकड़ों लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और कांग्रेस परिवार को और मजबूत बनाया। टिकट को लेके ना तो यहाँ पे किसी ने उनसे कहा कि टिकट के बारे में बात करी, ना कोई बात कर रहा है। टिकट तो उससे मिलेगा जो जीत सकेगा। बाहरी व्यक्ति को विरोध ऐसा नहीं था, कुछ सैनी समाज के लोगों को ये लग रहा था कि कोई सैनी समाज का कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा और उसको टिकट मिलेगा। अभी तो वो ज्वाइन करना और टिकट मिलना दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ज्वाइन करने से थोड़ी ना मेरी मजबूती का मैं नहीं जानता, ये तो पार्टी देखेगी कि कौन रुड़की के अंदर मजबूत कैंडिडेट है। और मैं तो इसको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर हम पाँच कैंडिडेट हैं जिसको टिकट मिलेगा मुट्ठी बंद करके। विकासनगर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाओं का धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। महिलाओं ने अखंड ज्योति जलाकर अनशन किया और महिला समूह की महिलाओं का आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ही हो रही धांधली, गलत व्यवहार और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 9 महीने से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि समूह की महिलाओं ने आज 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विकास नगर तहसील प्रांगण में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो है हमारी जो समूह की महिलाएं हैं पिछले 9 दिन से आंदोलित हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि हम 9 दिन से उस पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं रात दिन पे, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। आज तो हमने कर्मी कंसन पर बैठी हूँ मैं, लेकिन अगर आगे भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, तब तक नहीं उठूंगी जब तक हमारी मांग पूरी। टिहरी चिकित्सा स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने एक दिवसीय जनपद दौरे के दौरान जिला कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने जनपद के 2.5 लाख बच्चों के लिए दवा इलाज जैसी प्राथमिक तैयारियां की है, पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक जो है कल सभी जिलाधिकारियों के साथ में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की है और कल से ही हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में समीक्षा बैठक करने का निर्णय किया। आज मैं यहाँ हूँ, फिर पौड़ी जा रहा हूँ, कल फिर देहरादून की बैठक रखी है और जो पूरे विश्व में एक फिर खतरा मंडरा रहा है तीसरी लहर का, इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग के हर पहलू पर जो है आज समीक्षा की है। पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए हमने पूरे प्रदेश में कर दिया कि 25,000 लोगों की टेस्टिंग हमेशा की जाए। टिहरी जिले में भी हमने निर्देश दिए हैं कि 2,000 लोगों की टेस्टिंग जल्दी कराई जाए हर पर डे। तीसरा क्या है कि जो लगभग 56,000 लोग टिहरी जिले में बचे हैं जिन पर कि सेकेंड डोज लगे हैं और ड्यू हो गए हैं,
तो मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हफ्ता 10 दिन में इन 56,000 लोगों को आइडेंटिफाई करके। चंपावत में नवनिर्मित शारदा घाट के तबाह होने के बाद अब वहां पर ठहरा हुआ पानी एक गहरे कुंड में तब्दील हो गया है, जिससे स्नान घाट की जगह काफी समस्या खड़ी हो गई है। इस कुंड को लेकर जा रहा तैराक पुलिस और स्थानीय लोगों ने अब तक कई लोगों को डूबने से बचाया है, तो वहीं कई लोगों की जान जा चुकी है, मगर नगर पालिका की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय तैराक सूरज ने बताया कि हम कब तक अपनी जान में खिलते हुए लोगों को बचाएंगे, क्योंकि एक दिन अच्छे तैराक भी धोखा खा जाते हैं। वही तैराक सूरज ने मांग करते हुए बताया कि जिस तरफ कुंड बना हुआ है उसको बंद कर देना चाहिए। जानकारी मिली थी कि शारदा घाट पे एक जगह काफी गहरा भंवर बना हुआ है और वहाँ पर यात्रियों जो श्रद्धालु हैं उनके लिए काफी खतरे का वो बना हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा नगर पालिका टनकपुर को आदेशित किया गया है कि वो शीघ्र वहाँ पे एक उसमें बोर्ड लगवाएं और बचाव के लिए जो भी कार्रवाई करनी है करें। उनके द्वारा ये सूचित किया गया है कि उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करी जा रही है। जो घाट टूटने से इधर इसके चक्कर में पूरा पानी का बहाव इधर ही आ गया है, गहरा कुंड बन गया इधर पे, उसके वजह से 20-30 फुट ज़्यादा गहरा पानी है यहाँ पे, तो उस वजह से आदमी सीढ़ी पे आ रहा, टपक के गिर जा रहा है, कुंड में डूब जा रहा आदमी। और बाकी जो हिस्सा थोड़ा बंद कराया जाए यहाँ का, हमने भी कम से कम 100-200 लोगों को बचा चुके हैं अब तक। खतरा हो सकता है? हाँ, हमें भी कई बार खतरा हो चुका है, 2-3 बार बच गए हम भी। ये घाट की व्यवस्था नहीं हुई तो हम स्थानीय लोग विरोध पे उतर जाएंगे। ऋषिकेश में भट्टोवाला में गुमानी वाला रोड पर सड़क निर्माण कार्य रुकवाने वन विभाग पहुंचा, जिसके बाद वन विभाग की टीमों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल गुमानी वाला के भट्टोवाला क्षेत्र में अखिलेश्वर महादेव मंदिर रोड पर 250 मीटर सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। सड़क वन भूमि क्षेत्र में होने वाले के कारण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग का विरोध किया है। ये रोड जिला पंचायत के द्वारा बन रही है और थोड़ा जंगलात के जो वन विभाग के अधिकारी लोग हैं उनके संज्ञान में शायद बात नहीं की, तो वो लोगों ने थोड़ा सा आके रोका काम को, और हमारे आग्रह से मतलब जो हमने उनसे फोन में बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि रुकता नहीं है काम, चलो हम करा लेंगे। तो इसके लिए हम जंगलात के पूरे टीम को बधाई देते हैं कि उन्होंने ग्रामीणों की बात सुनी और गांव वाले भी सब एक उसमें इकट्ठे हुए कि नहीं भाई, अब गरीब जनता है तो सड़क तो चाहिए ही चाहिए, चाहे उसमें है तो लीज की ज़मीन है, वो जंगलात वालों की है, पर यह कि सुविधा तो अब हर एक जगह मिल रही है, जहाँ पाइपलाइन बिजली पानी की लाइटें आ गई तो सड़क का भी जरूरी है। वन विभाग वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी रोड नहीं जाने दे रहे, हमारे को जब हम दूध लेने जाते हैं देने जाते हैं इधर आगे, हम पूरे यहाँ कचड़ में इतने इतने भर जाते हैं जब बारिश होती है पूरी, जब हम लेडीजों को सुविधा नहीं मिलेगी तो किसको देंगे, जेंट्स को देंगे सुविधा? हम गाड़ी लेके जा रहे तो हमारा एक्सीडेंट हो रहा, पूरा इधर गिर रहे हम, तो आप बताओ हमारी क्या गलती है? जब मर जाएगी हमारी लाश बिछेगी उसके बाद बनाएंगे रोड, हम सीधा लंबे पड़ जाएंगे यहाँ पे, अपनी लाश दे देंगे एक्सीडेंट, अपनी औरतें सब यहाँ पे लंबी पड़ जाएंगी, एक्सीडेंट होगा जाके हमारी रोड। कलियर विधानसभा क्षेत्र में हकीमपुर तुर्रा में लंबे समय से चली आ रही जल भराव की समस्या का समाधान भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कर दिया है। उन्होंने 50 लाख की लागत से बनने वाले 300 मीटर लंबे नाले का शिलान्यास किया है, जिससे गांव वासियों को जल भराव की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी ने 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गया है। पीएम यहाँ परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव से पहले यह पहली चुनावी रैली है जिसकी तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रैली को लेकर कहा कि आगामी 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा देहरादून के परेड मैदान में होगी और उनके देहरादून आगमन की खबर से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है।
उत्तराखंड के पिछले करीब ढाई महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन के अंदर कोरोना के 36 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे के बाद राज्य में उन अफसरों के कोरोना टेस्ट किए गए जो राष्ट्रपति के दौरे पर ड्यूटी में तैनात थे। इनमें से 7 पुलिस अफसरों के साथ 6 से ज्यादा अफसर पॉजिटिव पाए गए। इधर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की है और एक बार नए सिरे से गाइडलाइन जारी करते हुए ये साफ किया है कि उत्तराखंड में किसी भी और राज्य से आने वाले का कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर चिंता और उत्तराखंड में संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार ने राज्य के सभी कोरोना योद्धाओं की कोरोना जांच कराने का निर्णय लिया है। वायरस के लक्षण वाले हर मरीज की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जा रही है। इसके साथ ही एक बार फिर राज्य के बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बाजारों में रैंडम कोविड जांच का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में कोविड कंट्रोल को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी की स्थिति पर नियंत्रण रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।